हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य के अरवल ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अरवल ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक अरवल जिला के नाम से जाना जाता है। अरवल जिला बिहार के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा बिहार के बड़े बड़े जिलों से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस अरवल शहर में मौजूद है और अरवल जिला मगध मंडल के अंतर्गत आता है। अरवल जिला पहले बिहार के जहानाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में अरवल को जहानाबाद जिला से अलग कर दिया गया। अरवल जिला के पड़ोसी जिले का नाम, पहला जहानाबाद जिला, दूसरा औरंगाबाद जिला, तीसरा गया जिला, चौथा भोजपुर जिला और पांचवा पटना जिला है। अरवल जिला में 5 ब्लॉक, 11 पुलिस स्टेशन, 1 लोकसभा, 4 बैंक, 4 मुख्य सरकारी कॉलेज, 1 मुख्य बिजली घर, 6 सरकारी अस्पताल, 1 नगर पालिका, 1 मुख्य डाकघर और 335 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो अरवल जिले का कुल क्षेत्रफल 634 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अरवल जिला की कुल आबादी 7,08,083 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 3,63,000 और महिला की कुल आबादी 3,37,000 है। अरवल जिले का औसत लिंगानुपात 928 के करीब है, यानी कि अरवल जिला में 1,000 पुरुष पर 928 महिला हैं। इस जिले का वाहन पंजीकरण संख्या BR56 है। भाषा की बात करें तो यहाँ के 86% लोग मगही भाषा, 8% हिंदी भाषा और 5% उर्दू भाषा बोलते हैं। अरवल जिला में हिंदू धर्म की आबादी 90% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 9% है। अरवल जिला के मुख्य नदी का नाम सोन नदी है। सोन नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 83 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1023 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के वासी बिहार के बड़े बड़े जिलों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 98 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े बड़े शहरों से जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो अरवल जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अरवल रेलवे स्टेशन है। वैसे जिला में कोई खास बड़े रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं है। शिक्षा की बात करें तो अरवल जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जिले की साक्षरता दर 63% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 63% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: KCRI कॉलेज, रायश्री कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ITI कॉलेज, अलवर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं, ये सभी अलवर ज़िला में मौजूद है।
अरवल जिला बहुत ही एक प्रतिष्ठाशाली और गौरवशाली जिला है बिहार के लिए। अरवल जिला के कुछ महत्वपूर्ण अस्पताल की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे अस्पताल भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरकारी अस्पताल भी शामिल है। अरवल जिला के कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों में शुमार दर्शन हॉस्पिटल, साहिल हॉस्पिटल, गुप्ता हॉस्पिटल, मैंडिस्टा हॉस्पिटल, विजय हॉस्पिटल, मनसुखा हॉस्पिटल, पटेल हॉस्पिटल, ये सभी अरवल जिला में मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो अरवल जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर टूरिस्ट घूम सकते हैं, जिसमें कि यहां के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में शुमार जहां पर लोग घूमकर आनंद उठाते हैं उसमें अगनूर विद्युत जल परियोजना, दूसरा फकरपुर मंदिर, गौतम बुद्ध मंदिर, मधुश्रवण आश्रम, बाबा मखदूम शाह का मजार आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं, जहां पर लोग आकर घूमते रहते हैं। व्यवसाय की बात करें तो इस जिला का मुख्य व्यवसाय खेती है। सोन नदी के किनारे पर बसे होने के कारण अरवल जिला के बहुत सारे लोग खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। सोन नदी के किनारे पर होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और अरवल जिला के कुछ महत्वपूर्ण फसलों में शुमार धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, तिलहन, अरहर आदि शामिल है। ये जितने भी फसल है ये सभी अरवल जिला में पैदावार उनकी होती है और यहाँ के लोग इसका प्रयोग कर अपना पालन पोषण करते हैं। वैसे ज़िला में कोई खास बड़ा कंपनी या कारखाना तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे व्यवसाय से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो अरवल ज़िला में कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो यहाँ पर अरवल रेलवे स्टेशन है, लेकिन बात करें नज़दीकी एयरपोर्ट की तो पटना एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से उसकी दूरी 65 किलोमीटर है। दोस्तों, अरवल ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।